हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सी नैन गुरु। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। तो आज ये 11वीं क्लास होगी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के लिए। अगर आपने अभी तक पिछली वो 10 क्लासें नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाके देख लेना, उनकी प्लेलिस्ट बनी है 932 के नाम से। और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 41 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया है कि वेन द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ डेबिट साइड द बैलेंस स्टैंडिंग इन अकाउंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर बात हो रही है क्रेडिट साइड की। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा हो डेबिट साइड से तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो हम उसे कहते हैं क्रेडिट बैलेंस, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स बिल इन वर्बली हैव ए डेबिट बैलेंस। तो कौन से अकाउंट के पास डेबिट बैलेंस होता है? तो राइट आंसर होगा अकाउंट्स रिसेबल या डेटर्स। क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें यह पूछा गया कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर, तो लेजर का मुख्य उद्देश्य। तो लेजर की बात करते हैं, इसमें जो लेन देनों का अंतिम लेखा होता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू नो द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ वन नेचर। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट शो। तो व्यक्तिगत खाते का क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है? तो ये दिखाता है अमाउंट पेबल, ऑप्शन बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर। टेंडर प्राइसिंग इज जनरली यूज बाई। तो यहाँ पर बात हो रही है टेंडर प्राइसिंग की, तो किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी, डिडक्टिव या टेक्निकल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गवर्नमेंट एजेंसी। अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन मेथड विल शो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत कौन सा मेथड जो कि दिखाता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लीफो। क्वेश्चन नंबर 47, वयोज अकाउंट। तो किस प्रकार का अकाउंट है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो आय व्यय लाभ हानि की मदों से संबंधित हों, जैसे सैलरी अकाउंट हो गया, रेंट अकाउंट, डिस्काउंट हो गया, इंटरेस्ट, बैड डेट्स हो गया, चैरिटी अकाउंट हो गया, रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो ये सभी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित हों, फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट हो गया, गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, सेल्स हो गया, परचेज, स्टॉक। पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी हो गया, फर्म या निगम आदि के नाम से जाने जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किस प्रकार का अकाउंट है? तो पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तो ये भी पर्सनल अकाउंट। राम अकाउंट,
तो ये भी पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसमें ये पूछा गया कि फाइंड द ऑड नंबर। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है इनमें से कौन सा डिफरेंट है। तो पहले पर चलते हैं परचेज बुक। तो परचेज बुक में केवल उधार खरीदी गई वस्तुओं का लेखा किया जाता है। सेल्स बुक, तो सेल्स बुक में भी केवल उधार बेची गई वस्तुओं का लेखा किया जाता है। परचेज रिटर्न बुक, इसमें भी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कैश बुक, इसमें केवल नगद वस्तुओं का लेखा। क्वेश्चन नंबर 49, तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। आपके पास करंट रेशो दी गई है 3.75 और एसी टेस्ट रेशो 1.25 और स्टॉक दिया है 375,000 और आपको बताना वर्किंग कैपिटल क्या होगी। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज बिल। तो जब हम भुगतान करते हैं एम्प्लॉय को सैलरी का, तो इससे क्या होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिक्रीज इन एसेट्स एंड कैपिटल, संपत्ति और पूंजी में कमी होती है। अमाउंट विदड्रॉ बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बिल द कैश बैलेंस कैपिटल। तो प्रोप्राइटर के द्वारा निकाली गई राशि पर्सनल यूज के लिए तो कम होगी कैश बैलेंस एंड कैपिटल। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मेन एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो बात करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। तो इसके जो मेन एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स बराबर है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो यहाँ पर भी राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, करैक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बात करते हैं ह्रास की, इससे क्या होता है, मूल्य कम होता है। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो ये भी सही है पहला ऑप्शन। डेप्रिसिएशन इज ऑफ परमानेंट नेचर, तो ये भी सही। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अंडर विच मैथड इन ईच ईयर द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स अनचार्जड, तो किस पद्धति में ह्रास की राशि नहीं बदलती है यानी परमानेंट सेम रहती हैं। तो फिक्स और रिड्यूसिंग में, तो राइट आंसर होगा बोथ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें यह पूछता है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो क्या होता है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, तो ये नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो बिक्री माल की लागत पर अतिरिक्त बिक्री। इन ऑर्डर टू फाइंड व्हाट द वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो वित्तीय वर्ष के अंत में वैल्यू ज्ञात करनी हो क्लोजिंग स्टॉक की, तो हमें स्टॉक लेना पड़ेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। इन कंसाइनमेंट अनसोल्ड गुड्स इन रिटर्नड ऑन द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर, ए जर्नल इज कॉल्ड ए बुक ऑफ। तो बात करते हैं रोजनामचा की। तो जर्नल में सबसे पहले एंट्री की जाती है, तो प्राइमरी एंट्री ऑप्शन ए।
रॉबर्ट्स अकाउंट इज रिलेटेड टू, तो रॉबर्ट्स अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट या ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर होगा पर्सनल अकाउंट। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, तो जो व्यावसायिक ट्रांजैक्शन होती हैं रिकॉर्ड की जाती हैं, तो वो रिकॉर्ड की जाती हैं सीक्वेंस ऑर्डर में, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑप्शन ए होगा। कैश डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलो, तो बात करते हैं कैश डिस्काउंट की, तो ये एक प्रकार का खर्चा होता है और ये साइड में होता है, और कैश डिस्काउंट किस प्रकार का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैश डिस्काउंट इज डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज फॉलो, व्यापारिक कटौती प्राप्त होती है जब हम कोई वस्तु परचेज करते हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड कम होती है फ्रॉम द इनवॉइस प्राइस एंड रिकॉर्डेड एट नेट वैल्यू। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो बात करते हैं प्रमाप लागत की, तो ये कार्य करता है किस सिद्धांत पर, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, कॉस्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेक्शन या ऑल ऑफ दीज, तो राइट आंसर होगा अपवाद एक्सपेक्शन, ऑप्शन सी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, तो कब पास किया गया था, 1986 में, ऑप्शन बी। डेप्रिसिएशन अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑन ए मशीनरी ऑफ रूपी 10,000 एट द रेट ऑफ 10% ड्यूरिंग 3 ईयर, तो आपके सामने डेप्रिसिएशन दी गई है 10% रेट के हिसाब से, और मशीनरी का मूल्य है 10,000, और 3 साल के लिए कितनी डेप्रिसिएशन होगी, तो 10,000 का 10% 1,000, तो 1,000 लेस 9,000 बचा, तो 9,000 का 10% 900, तो 9,000 में से 900 लेस 8,100, तो 8,100 का 10% 810, तो टोटल डेप्रिसिएशन हुई 8,710, ऑप्शन ए। 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप इज प्रोपोंडेड बाई, तो यहाँ पर बात हो रही है 3D मॉडल की, तो किसने किया था प्रतिपादित, तो यह किया था विलियम रीडन ने, ऑप्शन सी। अथॉरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, तो जो अथॉरिटी होती है हमेशा फ्लो करती हैं कहाँ से, तो ये करती हैं सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। व्हाट आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो लागत लेखांकन में कौन सी आइटम शामिल नहीं की जाती हैं, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोडक्ट शेयर, प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, तो राइट आंसर होगा प्रॉफिट शेयरिंग, इसको शामिल नहीं किया जाता। एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन एसेट नोन एज, तो जो इन्वेस्टर होता है इन्वेस्ट करता है संपत्ति में, तो वो जाना जाता है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर, एज पर शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956 फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट विल बी,
तो कंपनी एक्ट 1956 के अनुसार तो जो कौंट होता है फार पिक्चर तो क्या होता है, तो हम उसे डिडक्टेड करते हैं कॉल्ड ऑफ कैपिटल से, यानी माइनस करते हैं, तो ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बाकियों से भी करवाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।